नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम IIM के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इन दौरान हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली है और भी आगे लेंगे। आज जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIM रायपुर। रायपुर के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, जहाँ पे IIM का एक सेंटर है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसको वो हम बोलते हैं IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर। अगर हम वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो सभी सवालों के और सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक दरख्वास्त है, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा और साथ ही में ये जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम जो देखेंगे उसके बारे में जो भी सवाल हैं, जैसे कि कौन कौन से कोर्सेज़ वहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, फीस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वहाँ पे एक्सेप्टेड है, हाईएस्ट सैलरी क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT यानी कि क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चंस और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं और वो सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने अब तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरा और एक रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे मिट जाएंगे, कोई सवाल आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए आपका ये वीडियो, और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेंगे IIM रायपुर के बारे में। तो देखते हैं, ये जो IIM रायपुर का इंस्टीट्यूशन है, ये 2010 में शुरू हुआ इंस्टीट्यूशन है। इसकी जो स्थापना है वो 2010 की है, और NIRF रैंकिंग के हिसाब से इस इंस्टीट्यूशन को 19th नंबर का रैंकिंग दिया है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इसको दिया है 19th नंबर का नंबर, जिसके हिसाब से 19 नंबर के इंस्टीट्यूशन है भारत में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में। अगर हम बात करेंगे कैंपस साइज की, तो ये जो पूरा रायपुर का कैंपस है, ये रायपुर का पूरा का कैंपस 200 एकड़ में पूरा फैला हुआ कैंपस है। इस कैंपस में अलग अलग तरीके के 4 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, 4 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और जहां तक फ़ीस का सवाल है, तो यहां पे फ़ीस जो चार्ज होता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, वो फ़ी है 4.29 लाख टू 6.31 लाख। 4.29 लाख टू 6.31 लाख, ये फीस का रेंज है। इसी रेंज में यहाँ पे फीस ऑफर की जाती है। और जब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो हमारे पास कोई भी डिग्री होना ज़रूरी है, कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हमारे पास कोई भी डिग्री, यानी कि प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल में से एक डिग्री होना ज़रूरी है। और जहाँ तक जनरल कैटेगरी का सवाल है, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 50% डिग्री के लिए मार्क्स होना कंपलसरी है, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। और हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होती है, वो एग्ज़ाम है कैट एग्जामिनेशन, जिसको हम कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, वो देना यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बिना हमें एडमिशन नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक हाईएस्ट सैलरी पैकेज, पिछले साल का ऑफर्ड, पिछले साल में जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर्ड हुआ है 2020 में, वो है 46 लाख पर एनम। ये था हाईएस्ट सैलरी पैकेज पिछले साल का, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं इस साल। जहाँ तक हॉस्टल फैसिलिटी का सवाल है, तो इस कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है और वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस हर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में और हर एक IIM के इंस्टीट्यूशन में सेम फॉलो किया जाता है, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का परसेंटाइल, GD का परसेंटाइल, PI का परसेंटाइल, उसके बाद कॉमन और ओवरऑल परसेंटाइल निकाला जाता है, और उसके बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। पिछले साल का जो ओवरऑल परसेंटाइल था वो था 90%, और उसके हिसाब से एडमिशन दिया गए थे। ये जो मैंने परसेंटाइल बोला वो जनरल कैटेगरी का परसेंटाइल है, कैटेगरी के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो और रही बात स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है।
जो फाइनेंशियल वीकर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन लेवल पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये था वीडियो IIM रायपुर के बारे में, और मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और जाते जाते ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे आपके कमेंट लिखना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और भी बेहतरीन आपके हिसाब से बनाएं। तो ये वीडियो में हमने देखा IIM रायपुर के बारे में, आने वाले वीडियो में और देखेंगे हम अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।